नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत सारा स्वागत है सीआईटी एनसीईआरटी के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 के माध्यम से। आज जिस नज्म पर हम बातचीत करने वाले हैं, ये आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक में शामिल है और नाम है ओ देश से आने वाले बता। हमारे में से बहुत सारे लोग देश से बाहर जाते हैं, कुछ लोग वापस आते हैं, कुछ लोग बाहर ही बस जाते हैं। तो इस आज की नज़्म में क्या लिखा गया है, शायर ने क्या कहा है, ये आपको बताएंगी हमारी आज की मेहमान। बहुत सारी बातें हैं जो हमें उनसे करनी है इस कार्यक्रम में। अगर 10वीं कक्षा के सभी तलबा हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो आप हमें अपने सवाल पहुँचाइए। हमारा नंबर है 8800440559। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class10@cit.nic.in। तो बहुत सारे माध्यम हैं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के और हमसे बातचीत करने के। तो हम आपका इंतज़ार करेंगे आपके सवालों का। तब तक के लिए हम आपको आज की मेहमान से ज़रूर मिलवाना चाहेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, ये हैं मिस अंसारी बेबी तबस्सुम मोहम्मद उमर। स्वागत है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। मैम है अंजुमी इस्लाम हाई स्कूल CST मुंबई से, और मुझे मैम से सवाल पूछने हैं बहुत सारे। पर उससे पहले हम आपको एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जो कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर, दैट इज 2023। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudeva Kutumbakam, or the world is one family. And with that, let's begin this program. Aur sabse pehla sawal main ma'am se yahi puchna chahungi, ma'am, what do you have in store for all our viewers, for all our children? Is nazm mein aaj hum kya seekhne, kya padhne wale hain, ma'am? Assalamu alaikum. Aaj jo 10vi ki kitab ki nazm hai Akhtar Sherani ki likhi hui, O desh se aane wale bata, isme hum seekhenge gul watni ka jazba, मुख्तलिफ किस्म की तलमीहात, तशबीहात, सनतें, साथ ही साथ मुख्तलिफ किस्म के जो शायर ने टेप के बंद का इस्तेमाल किया है, यानी एक ही लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करना, जज्बात की बेदारी और मुख्तलिफ वजाहतें, जैसे कि देश और परदेस की वजाहतें। शायर किसी और देश यानी परदेस में मौजूद है। परदेस में शायर से के देश से कोई मिलने आया है। शायर जब उस दोस्त से मिलते हैं तो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये खुशी इस हद तक बढ़ जाती है कि शायर अपने दोस्त से अपने वतन की एक एक चीज़ के बारे में मालूमात लेते हैं। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि शायर के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा मौजूद है, और हम तमाम लोगों को अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा बेदार करने की ज़रूरत है, और है भी हमारे अंदर। यही कैफियत इस पूरी नज़्म में बयान की गई है। नेक्स्ट। शायर अख्तर शीरानी, इनका पूरा नाम मोहम्मद दाऊद खान और तखल्लुस अख्तर शीरानी, वालिद हाफिज महमूद शीरानी, जिन्होंने किताब पंजाब में उर्दू लिखी है। 1905 में राजस्थान टोनक में पैदा हुए। 1948 लाहौर में 43 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। न सिर्फ मुसव्वरी, मौसीकी का भी खासा शौक रखते हैं अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी ने सिर्फ नज्मों पर ही नहीं, गज़ल और गीत पर भी तबा आजमाई की है, लेकिन नज्म निगार में ये काफ़ी मशहूर हुए। इनकी नज़में रोमानी शायरी से भरपूर हैं। कई शेरी मजमूए हमारे पास दस्तियाब हैं, जैसे कि लाला तूर, शहनाज, शबिस्तान, बड़े ही दिलकश और दिलचस्प अंदाज में इन्होंने पेश किए हैं। शायरी के अलावा अख्तर शीरानी ने नसर में भी तबा आजमाई की। जहाक और आईना खाने इनकी मशहूर नज़मों पर रोशनी डालती चलूं। ए इश्क कहीं ले चल, ओ देश से आने वाले बता, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, मैं आरजुए जा लिखूं या जाने आरजू, कुछ तो तन्हाई की रातों का सहारा होता, बरसात तुम्हें सितारों ने बेअख्तियार देखा है, वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं।
अब हम आ रहे हैं नज्म पर, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट हाजरी, अब ओ देश से आने वाले बता नज्म आपके सामने मौजूद है। आप पीपीटी पे देख सकते हैं नज्म मौजूद है। इसकी बलंगखानी मैं कर रही हूँ, आप तमाम लोग बड़े गौर और हौस से सुनेंगे। ओ देश से आने वाले बता, ए नौवारी धम वतन से किसी गरीबुल वतन का खिताब। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है यार आने वतन, आवारा गुर्बत को भी सुना। किस रंग में है कानाने वतन, वो बागे वतन फिर दौसे वतन, वो सोरे वतन रिहाने वतन। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं, क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घंघोर घटाएं छाती हैं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, क्या सड़कों की झूली शमों पर सायों का बसेरा होता है, बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता। जैसे कि हमने नज्म की तीन बंद पर रोशनी डाली और मैंने आपको जो है नज्म की बलंदखानी की, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। एक नौवारी धम वतन, नौ यानी नया, वारी जो हाजिर हुआ हो यानी नया मुसाफिर जो सामने आया है। गरीबुल वतन का खिताब, तो गरीब के मानी यहाँ गरीब नहीं है, ऐसा इंसान जो इस हाल में है जो किसी को याद कर रहा है तो उसे गरीबुल वतन कहा गया, यानी अपने वतन को याद करने वाला अच्छी तरीके से शिद्दत और जिद्दत के साथ। पहला पहला बंद देखते हैं, ओ देश से आने वाले बता। अब वो जो दोस्त आया हुआ है शायर उससे मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, ए मेरी यार, ए मेरे दोस्त, मुझे बताओ कि मेरे वतन के लोग किस तरह हैं, मेरे वतन के लोग किस रंग ढंग में हैं, मेरे वतन में क्या जन्नत जन्नत बन चुका है, बाग किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, क्या सरों का दरख्त है, खुशबू की हवाएं चल रही हैं। पहले शेर यारान कोना कानान रेहान, यहाँ तमाम जगहों पर पहले बंद में जो है शायर ने काफिया का इस्तेमाल किया है और रदीफ है वतन वतन वतन। तो यहाँ शायर जो है बड़ी ही कहना चाहिए मुखलिसी के साथ अपने वतन के लोगों को, वतन के बाग को, वतन के हवा को, वतन के रंग को, जैसे कानान वतन, कानान वो मुल्क है जहाँ यूसुफ अली सलाम पैदा हुए, मुल्क शाम, तो सनते तलमी मौजूद है। तशबी यानी सरो वतन यानी कि जिनके कद कैसे हैं, बड़े कद वाले लोग, तो पहला बन जो है इस तरीके से है। दूसरे बन, क्या अभी वहाँ के बागों में मस्तानी हवाएं आती हैं। अब शायद इस बन में भी इन्होंने जो है मुख्तलिफ काफियों का, हर बन में शायर ने मुख्तलिफ काफियों का इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ है आती छाती भाती, यहाँ शायर बाघों का, पर्वत का, बरखों का जो है जिक्र कर रहे हैं कि हवाएं कैसी चल रही है, मस्तानी है, सवालिया निशान लगाया गया है, यानी शायर सवाल कर रहा है अपने दोस्त के साथ। घटाएं कैसी है, घंघोर है, पर्वत पर कैसी हवाएं चल रही है, घटाएं कैसी चल रही है, क्या अब वहाँ की बरखा जो है वो दिलों को भाती है, वहाँ के मौसम के बारे में बात की। उसके बाद तीसरे बन में यहाँ भी शायर जो है सवाल पूछ रहे हैं, क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, क्या अभी भी अंधेरा हो जाता है जैसे ही शाम में सूरज डूबता है, तो सड़कों की धुंधली शमों पर सायों का बसेरा होता है, जाहिर सी बात है जब अंधेरा होगा तो पूछा जा रहा है, बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है, अब यहाँ उन्होंने सुबह का भी जिक्र किया है। इस बंद में भी शायर ने मुख्तलिफ काफियों और अदीब का इस्तेमाल किया, जैसे कि अंधेरा, बसेरा, सवेरा, होता है ये रदीफ है।
नेक्स्ट क्या अब भी महकते मंदिर में नाकूस की आवाज आती है, क्या अब भी मुकद्दस मस्जिद पर मस्ताना अजां थर्राती है और शाम के रंगी सायों पर अजमत की झलक छा जाती है। ओ देश से आने वाले बता, यहां भी मैं बलनखौनी कर रही हूं इस सफे की भी। ओ देश से आने वाले बता, क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी पपीहे बोलते हैं, शाखों की हरीली पर्दों में नगमों की खजाने खोलते हैं, सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमृत घोलते हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या पहली सी मासूम अभी वो मदरसे की शादाब फिजा, कुछ भूले हुए दिन गुजरे हैं जिसमें वो मिसाले खौबे फिजा, वो खेल वो हमसिन वो मैदान वो ख्वाबे गए महताब फिजा। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता, क्या याद हमें भी करता है यारों में कोई आह बता। ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता लिल्लाह बता, ओ देश से आने वाले बता। अब हम इन बंदों की जो है वजाहत करते हैं। पहला बंद देखते हैं, क्या अब भी महकते मंदिर से। यहाँ शायर ने मंदिर मस्जिद का भी जिक्र किया है। जिस तरीके से मंदिर में नाकूस की आवाज आती है यानी संग बजाए जाते हैं, जब पूजा से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम इबादत गाह में जाते हैं तो हमें बुलाने के लिए मौज़िन और पुजारी जो हैं संग बजाते हैं, अजान देते हैं ताकि लोग इबादत के लिए निकल कर आ जाएं, तो क्या अभी भी वो चीजें जारी हैं, ऐसा शायर अपने दोस्त से कह रहे हैं। और शाम की रंगी सायों से अजमत की छलक छा जाती है कि शाम कैसी है, शाम अजीम है वैसे ही सुहानी दिख रही है। फिर कह रहे हैं, ओ देश से आने वाले बता, यानी शायर की तड़प देखने को मिल रही है कि हर बन के बाद उन्होंने टेप का शेर इस्तेमाल किया है, जहां वो बार बार कह रहे हैं ओ देश से आने वाले बता। पूरी नज्म में शायर ने तकरीबन 20 मरतबा टेप का शेर इस्तेमाल किया है, तकरीबन 10 बंदों में। क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी वो पपीहे बोलते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आम के पेड़ों पर पपीहे आते हैं, तो कह रहे हैं कि आते हैं अभी भी और सवाल कर रहे हैं। शाखों की हरेली पर्दों में नगमों के खजाने खुलते हैं, कि अभी भी शाखों पर बारीक रेशम जैसी परतें आती हैं, नगमे गुनगुनाते हैं, खजाने खुलते हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमरस घोलते हैं, कि जब सावन का महीना आता है तो क्या अभी भी गाने गाए जाते हैं, तालाब भर जाते हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या पहली सी मासूम अभी वो मदरसे की शादाब फिजा। अब शायर को मदरसा याद आया कि क्या पहली सी जो फिजा है मदरसे वाली वो अब भी वैसे ही है, जब जहां लोग मासूम थे बच्चे, कुछ भूले हुए दिन गुजरे हैं जिसमें वो मिसाले ख्वाबे फिजा। यहाँ शायर कह रहे हैं कुछ भूले हुए दिन, यानी शायर ने ऐसे दिन भी गुजारे हैं जिन्हें वो जो है फरामोश नहीं कर सकते। लोग भूल सकते हैं लेकिन शायर नहीं भूलते, क्योंकि शायर के दिल में बहुत ज्यादा अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। वो खेल वो हमसिन वो मैदान, उन्हें याद आ रहा है कि वो जो खेल खेलते थे वहां अपने हम उम्र दोस्तों के साथ मैदानों में, वो मैदान याद आ रहा है, क्या अभी भी मौजूद है। वो ख्वाबे गए मेहताब फिजा, जो ख्वाबगाह जो ख्वाब के कमरे थे हमारे जो हम खेलने जाते थे, वो सब अभी मौजूद है। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, फिर सवाल कर रहे हैं, तू बता कि ये सारी चीजें जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं अब तक है मौजूद वहां। अब सवाल दोबारा हो रहा है, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता, अब अपने ताल्लुक से कि क्या लोग मुझे याद करते हैं, उनके दिलों में मैं जिंदा हूं, क्या याद हमें भी करता है
यारों में कोई आ बता, कोई दोस्त है जो याद कर लेता है कि मैं भी मौजूद हूँ परदेश में। ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता, अल्लाह के वास्ते तुझे तेरे रब का वास्ता, मुझे तू मेरी देश के, मेरे देश के लोगों की, वहाँ के चीज़ों की खबर दे दे, उनके बारे में बता दे। नेक्स्ट, ओ देश से आने वाले बता, क्या हमको वतन के बागों की मस्तानी फिजाएं भूल गईं। अब शायद वहां की हवा, वहां के लोगों के बारे में, क्या लोग तो नहीं भूल गए, मैं तो नहीं भूला, क्या वहां की हवा भूल चुकी है मुझे, ये बता दे। बाग भूल गए हैं, बरखा की बहारें भूल गई, सावन की घटाएं भूल गई, क्या बरखा भूल चुकी है मुझे या सावन भूल चुका है मुझे, सवाल कर रहे हैं अपने दोस्त से। दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएं भूल गई, जब हम दरिया के किनारे बैठे थे और जंगल में जाते थे, क्या वो हवाएं भी हमें भूल चुकी हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, यानी मेरे वतन से जो आया है वो मुझे ये बता दे, वो लोग मुझे भूले तो नहीं, क्या गांव पे अब भी सावन में बरखा की बहारें छाती है, मासूम घरों से भोर भय चक्की की सदाएं आती हैं, और याद में अपने मैं कैसे बिछड़ी हुई सखियां गाती हैं। ओ देश से आने वाले बता, यहाँ भी शायर ने ऊपर वाले बंद में भी, नीचे वाले बंद में भी, दोनों जगहों पर मुख्तलिफ काफियों का इस्तेमाल किया। जैसे कि बताती चलो, ऊपर जो बंद हमने देखा, फिजाएं घटाएं हवाएं, ये काफिया है, भूल गई भूल गई भूल गई, ये रदीफ है। दूसरा बंद के गांव में अब भी सावन के महीने में बरखा की बहारें आती हैं, मासूम घरों से भोर भय भोर सुबह। मैम मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आखिरी के 2 मिनट हैं इस बातचीत के लिए। तो शायर ने पूरी नज्म में जगह जगह अपने दोस्त से अपने मुल्क का, अपने वतन का हाल पूछा है, क्योंकि शायर बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और ये हकीकत है कि जब हम अपने वतन से दूर हों तो मोहब्बत और बढ़ जाती है। इसके ऊपर कई ऐसी नज्में लिखी जा चुकी हैं और इन नज्मों को गीत के तौर पर फिल्मों में, ड्रामों में इस्तेमाल भी किया है। बच्चों, मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगी कि नज्म में हमें सबसे पहले देश के ताल्लुक से, वतन के ताल्लुक से ऐसे जज्बा बेदार करना है कि हम अपने वतन पर हमेशा जान छिड़कते रहें। यही नहीं, आखिरी शायर में शायर ने उरूज जवाल की कहानी को भी बयान किया है कि किले हवेलियाँ जो अब बेरौनक दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे अब कोई भी मकी नहीं है, रहने वाला नहीं है। आपके लिए सवालात हैं कुछ कि नज्म के पहले बंद में आवारा गुरबत और कनाने वतन किसे कहा गया है। दूसरा सवाल, परदेश में वतन से आने वाले शख्स से शायर बेताब होकर क्या सवाल कर रहा है। तीसरा, शायर किस एहसास का इजहार कर रहा है। चौथा, शायर के हरेरी पर्दों में नगमों के खजाने कौन खोल रहा है। आपका काम यह है कि आपको नज्म से मुख्तलिफ काफियों और अदीब को तलाश कर अपनी बुक में लिखना है, कापी में। साथ ही साथ हुब्बुल वतन के ऊपर आपको एक मजमून लिखना है ताकि समझ में आए कि आपको अपने वतन से किस कदर मोहब्बत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नज्म समझ में आई होगी। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है बच्चों को सिर्फ समझ नहीं आई होगी बल्कि बहुत पसंद भी आई होगी, क्योंकि वतन से तो सभी लोग मोहब्बत करते हैं और वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। अगर आप देश में हो तो अच्छी बात है, पर अगर आप परदेश चले जाओ तो वतन की याद हमेशा आती है। आपने जैसा कि बताया, बहुत अच्छी नज्म थी मैम, आपने बहुत खूबसूरती से बच्चों को समझाई, बेहद शुक्रिया हमारे साथ आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। शुक्रिया करना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। और जो नज्म मैम ने यहाँ सुनाई, ओ देश से आने वाले बता, मुझे लगता है आप इसे ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे कई रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं जो परदेश में रहते हैं और उनके भी जज्बात इसी तरह से होते हैं। तो इसे एक बार फिर नहीं देखना चाहें तो आप NCERT ऑफिशियल पर देख सकते हैं, जो कि थोड़ी ही देर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा।
इस कार्यक्रम को हम यही खत्म कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा। थोड़ी देर में मैथ्स का एक कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। हीरोन्स फॉर्मूला 1 टॉपिक है और मैथ्स की ये कक्षा थोड़ी देर में हाजिर होगी। जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म करना चाहेंगे दैट वी आर एक्सट्रीमली प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudev Kutumbakam, or should I say the world is one family. चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया एक बार फिर से। नमस्कार।